हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनोन पबजी गर्ल गेमर। तो दोस्तों आज होगी क्रेट ओपनिंग ट्रिक्स टू गेट द लेजेंडरी आइटम्स इन पबजी मोबाइल। और दोस्तों अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आप लोगों को भी निकलेगा लेजेंडरी आइटम्स भाई बिल्कुल फ्री क्रेट ओपनिंग ट्रिक्स से। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरे 3 ऐसे टाइमिंग्स बताने वाली हूँ जिसमें आपका निकलेगा लेजेंडरी आइटम्स, और वो भी बिल्कुल फ्री क्रेट ओपनिंग से। तो दोस्तों देखो यार, उससे पहले मेरी इन्वेंट्री देख लो आप लोग, और मेरे पास कोई रॉयल पास नहीं है, ये सब मुझे क्रेट ओपनिंग से ही मिली है। तो यहाँ पे आप जितने भी स्किन्स देख रहे हो ये सब के सब मुझे क्रेट ओपनिंग ट्रिक से निकली है, ये सारे लेजेंडरी आइटम्स। और अगर आपको भी ये सब चाहिए तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी निकल सकती है। मैं आप लोग को टोटल ऐसे बेस्ट टाइमिंग्स बताने वाले हैं जिसमें आपका निकलना कन्फर्म है, क्योंकि मुझे भी निकल चुके आप देख सकते हो। मुझे सारे स्किन्स कलेक्ट करने में सिर्फ 2 सीजन लगे हैं। दोस्तों आप में से कोई कमेंट में ये ना लिख दे कि मैंने आरपी या फिर यूसी से खरीदा है, तो मैं आपको बता दूं यार, मैंने आज तक आरपी नहीं खरीदी है, तो इस बात का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि मैंने यूसी से खरीदा है। तो आप देख सकते हो मैं आप लोगों के सामने अलग अलग टाइमिंग्स पे बहुत सारे क्रेट ओपनिंग्स करने वाली हूँ ताकि मुझे लेजेंडरी आइटम्स मिल सके, तो वो सब आपके बिल्कुल सामने होगा। और आप देखना यार, मैं आप लोग को बीच में भी या फिर लास्ट में भी बता सकती हूँ कौन सी बेस्ट टाइमिंग्स है ट्रिक्स टू गेट द लेजेंडरी आइटम्स इन द पबजी मोबाइल। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप लोगों ने मेरी सारी गन स्किन्स देख ली होगी। तो यार चलो अब देखते हैं आगे और कौन कौन से गन स्किन्स मिलने वाली है। मतलब देख रहे हो यार, कार राइड गेट की इतनी सारी स्किन्स हो गई, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लगाए। तो यार देखो आपके सामने कौन सी स्किन है, M416 ब्रिलियंस, यार इतनी गजब की स्किन। और गाइस जब ये मुझे निकली थी उस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की, मतलब सोच सकते हो मैं खुद बिल्कुल शॉक थी यार ये क्या निकल गया। तो जिस टाइमिंग पे मैंने M416 की क्रेट ओपनिंग की थी यार, सीरियसली उस टाइमिंग पे मैंने आज तक कभी भी क्रेट ओपनिंग नहीं की थी, और वाकई में वो टाइम इतना ज़्यादा ऑसम है यार, क्योंकि मुझे उसी टाइमिंग पे दूसरी बार शेरोबिक बैकपैक की स्किन मिली थी। तो मैं आप लोग को बता दूं यार, मैं क्रेट ओपनिंग में हमेशा से लकी रही हूँ, क्योंकि मुझे गन स्किन्स से वैसे भी ज़्यादा प्यार है, और मुझे क्रेट ओपनिंग में गन स्किन्स ही निकलती है, आप देख सकते हो। और अभी मैं आपके सामने करने वाली हूँ मेरी पहली क्रेट ओपनिंग। तो यहाँ क्रेट ओपनिंग में देखो यार, गन स्किन्स का नाम लेते ही इन्होंने पहले ही हमें पिस्टल दे दी, और भाई सीरियसली ये वाकई में क्रेट ओपनिंग बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। आप लोग के लिए बेस्ट टाइमिंग ढूंढने के लिए मैंने क्रेट ओपनिंग अलग अलग टाइमिंग से की, और तब जाके मुझे पता चला वो कौन से बेस्ट टाइमिंग्स है जिसमें आपको क्रेट ओपनिंग करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रेट ओपनिंग आप तभी करें जब जो है आपके सर्वर पे रश कम हो। और इससे क्या होता है कि जब रश कम होता है और ऐसे में आप अगर क्रेट ओपनिंग्स करते हो, तो देख सकते हो ऐसे ही बिल्कुल लेजेंडरी आइटम्स निकलेंगे आपको, जिस तरह से अभी मुझे निकला है देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मुझे यहीं पे फ्री में एक और बैकपैक की स्किन मिल चुकी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वर पे सबसे कम रश कौन से टाइम पे होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बार सर्वर पे सबसे कम रश होता है जब हमारा सर्वर जो है रीसेट होता है, और गाइज वो होता है 5:30 बजे। दोस्तों ये 5:30 बजे कोई शाम को नहीं है, ये सुबह का टाइमिंग है। तो आप सोच सकते हो इतनी ठंड में आपको उठना पड़ेगा अगर आपको क्रेट ओपनिंग करनी है लेजेंडरी आइटम्स को पाने के लिए। तो देख सकते हो ये था मेरा पहला बेस्ट टाइमिंग, तो सीरियसली यही वो टाइमिंग है जिसमें मुझे M4 मिली थी और मैंने क्रेट ओपनिंग की थी 5:45 पे। तो गाइज आप भी ट्राई करना, ये पहला बेस्ट टाइमिंग है, सीरियसली ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि मुझे इस टाइमिंग में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली है, मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे उस टाइमिंग पे निकली है, उनमें से एक तो आप देख चुके हो M416 की एक गजब वाली स्किन, और बाकी 2 भी आपके सामने आने ही वाली है। तो देखो यार आगे और हमें क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो इन्होंने हमें जूते चिपका दिए हैं। दोस्तों अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको पता होगा मेरा पिछले सीजन का जो बेस्ट टाइमिंग जो क्रेट ओपनिंग का था, वो था सुबह के 3:30 से 4 बजे के बीच, जो कि इस सीजन में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइमिंग पे वो सिर्फ सिल्वर फ्रेगमेंट ही आपको देगा या फिर ग्रेफिन ही देगा बस। भाई देख रहे हो यार, ये कोई एपिक चीज है सीरियसली, मतलब क्या कुछ भी। दोस्तों इसमें आपको सप्लाई क्रेट एक से ज़्यादा दूसरे और क्रेट ओपनिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जो हमें निकलने वाला है वो बहुत ही ऑसम होने वाला है।
तो देखो यार सप्लाई क्रेट छोड़ देते हैं और भाई अब हम खोलेंगे क्लासिक, क्योंकि ले मुझे पता है कुछ ना कुछ तो जरूर देगा ये, क्योंकि ले टाइमिंग बहुत बेस्ट है। तो देखो ये भी गाइस सुबह के टाइम पे ही मैंने ओपन किया और मुझे देखो यार क्या मिला, ये ओपी मतलब बहुत ही ओपी है ये। अलग है कि आप मैच में अलग से ही चमकोगे, रेड कलर जो है दूर से ही दिख जाता है, आप समझ सकते हो। तो यार रेड कलर को अवॉइड करो, आगे चलते हैं। तो देखो इन्होंने हमें बेस्ट देखा भाई, ये जो टाइमिंग्स है ना बहुत गजब है। और इस वक्त इन्होंने मुझे दिया हेलमेट, और गाइज ये मुझे निकला था दोपहर के 12 बजे ये हेलमेट। सीरियसली मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट टाइमिंग्स बता रही हूँ और आप इसमें ट्राई करोगे तो बिल्कुल ही निकलेगा। गाइस कि आप लोगों के साथ भी बिल्कुल यही ट्रिक वर्क करे जो मेरे साथ वर्क कर रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा औसम चीज़ें निकलने वाली हैं। अभी तो वीडियो शुरू हुई है यार, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी 2 टाइमिंग्स बाकी है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे गजब की टाइमिंग्स है जिसमें आप लोगों का भी लेजेंडरी आइटम निकला है, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वो टाइमिंग्स, ताकि हमारी भी और आप बाकी व्यूवर्स की भी मदद हो। तो दोस्तों यार आगे बढ़ते हैं और देखो यार अब हम जो है ओपन करेंगे हमारे फिर से क्लासिक। और गाइस देखो इनको भी पता चल चुका है कि ठंड आ चुकी है और इन्होंने हमें चिपका दिया है जैकेट। दोस्तों नेक्स्ट जो टाइमिंग होने वाली है वो हमारे हाइड्रा डेविल हाइड्रा की वजह से होने वाली है, क्योंकि इन्होंने हमें ये टाइमिंग बताई है जो कि हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। और गाइज इनके कहने पर फिर हमने रात के 12 से 1 बजे के बीच वो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे क्रेट ओपनिंग की। और गाइज देखो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार रही क्रेट ओपनिंग। तो यार यहाँ पे तो गारंटेड रिवॉर्ड निकलेगा ही, क्योंकि 9 हो चुके हैं ऑलरेडी 10 में से। तो यार ये देखो हमें निकल चुकी है QBU की स्किन जो कि गारंटेड थी, तो यार इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों मेरे पास 10 के आसपास क्रेट्स थे जो कि मैंने सारे ओपन कर ही दिए। आपको पता है एक बार क्रेट ओपनिंग शुरू होती है, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक हमारी क्रेट ओपनिंग बंद नहीं होती है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैंने बस एक बार स्टार्ट किया और जब तक ख़त्म नहीं हुए सारे के सारे ओपन कर दिए। तो यार फाइनली देखो यार कुछ बेकार चीज़ें भी निकल जाती है, शुक्र है कि ग्रैफिन ही नहीं निकली, जो कि बिल्कुल भी सीरियसली बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। और यार प्रीमियम कूपन्स में मतलब यार ग्रैफिन ही रखने का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, ये लोग जो है बस हमारा सी बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों जो 3 टाइमिंग्स है उसमें से 2 तो आपको पता चल ही गया है, वो है एक तो सुबह के 5:30 बजे और दूसरा रात के 12 से 1 बजे के बीच में जो मेरे साथ वर्क कर रही है, तो आप लोग के साथ भी कर सकती है। तो यार आगे देखो और बहुत कुछ निकलने वाला है, क्योंकि अभी एक बहुत ही मेन वाली ट्रिक बाकी है जो कि आप में से काफ़ी लोग को नहीं पता होती है। तो यार ये कई बार हमें सिल्वर फ्रेगमेंट ही दिए जा रहे हैं, शुक्र है कि इन्होंने 50 दिए हैं 10 नहीं दिए, वरना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। यार सोच सकते हो मतलब क्लासिक में यार सिल्वर फ्रेगमेंट और प्रीमियम कूपन में ग्रैफिनी, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। तो देख सकते हो यार फाइनली एक और आउटफिट हमें निकल चुकी है स्लॉटर वाली। और गाइस ये वही रात का टाइमिंग है 12 से 1 बजे के बीच में। तो देख सकते हो यार मैंने ऐसे ही नहीं बोला, क्योंकि मैंने ये सब आजमाए हैं उसके बाद ही मैंने आप लोग को टाइमिंग्स बताई है। तो यार आप भी ट्राई करो, आपका भी निकलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ निकल जाए यार, बट ये निकलती नहीं है, वो है यार हमारी AKM की स्किन जो कि मुझे नहीं निकल रही है। और गाइस अगर आप में से किसी की निकली है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिखो कैसे निकली है, ताकि मैं भी ट्राई करूँ और मुझे भी निकले। तो यार मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा ट्राई किया घंटा नहीं निकलता कुछ, बट यार ये देखो हमें क्या निकली, ये कार 98 के स्किन। और गाइस ये रात का ही टाइमिंग है, तो देख सकते हो यार सीरियसली बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, तो आप देख सकते हो इस वक्त मेरे पास 2 क्रेट्स हैं, वो है मैग्मा ट्रेजर क्रेट और दूसरा थोन ट्रेजर क्रेट। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा ये कैसे मिलने वाला है, और अगर नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं यार इनमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देख सकते हो थोन ट्रेजर क्रेट से हमें ये सब कुछ मिलेगा, इनमें से कुछ भी एक निकल सकता है। तो देखने वाला है कि अब हमें क्या मिलने वाला है। और जो गाइस दूसरा वाला क्रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा ओपी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो दोनों क्रेट्स हैं ये RP वाले क्रेट हैं जो कि हमें इवेंट के ज़रिए फ्री में मिल रहे हैं। तो देखो यार मैग्मा ट्रेजर क्रेट कितना ज़्यादा ओपी वाला बैग पैक आप देख सकते हो जो कि मुझे निकलने वाला है, जो मैं पहले ही मैंने बता दिया है और गाइज आप लोगों ने मेरे मतलब थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये जो क्रेट ओपनिंग है ये बिल्कुल सुबह के 5:30 बजे ही की है मैंने। और एक और बात आपको बता दूँ, अगर कोई भी इवेंट गाइज आता है तो आपको सबसे पहले उसे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि गाइज अगर आप सबसे पहले करते हो तो देख सकते हो इस तरीके के आपको लेजेंडरी आइटम्स मिलते हैं, जैसे इस वक्त मुझे मिला है। तो दोस्तों जैसे ये आया था इवेंट मैंने उसी वक्त इसको सबसे पहले सुबह इसको कम्प्लीट कर लिया था,
और आप देख सकते हो मुझे सबसे पहले ये बैकपैक मिल चुका है यार, तो आप लोगों को भी मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल में फ्री। तो आप समझ गए होंगे 3 बेस्ट टाइमिंग्स और साथ में ये जो मैंने अभी ट्रिक आपको बताई है जो आपको सभी इवेंट्स के साथ करना है, तो आप देख सकते हो मैंने टाइमिंग भी शो की है। तो दोस्तों यार ये वीडियो और ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको बस ये 3 टाइमिंग्स एक बार फिर से बता देती हूँ जो कि आपको रिमाइंड कराने के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहला होता है जो है 5:30 बजे, जो कि जैसे हमारा सर्वर रीसेट होता है उसके बाद आपको करना है क्रेट ओपनिंग। और दूसरा गाइज वो है दोपहर के 12 से 1, और गाइज जो तीसरा टाइमिंग है वो है रात के 12 से 1 बजे के बीच में। तो यार ट्राई कीजिएगा, आपको भी निकलेगा क्योंकि मुझे तो निकला है। देख रहे हो मतलब जैसे मुझे बैग निकला था ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ था, मुझे लगा ये 1 डे के लिए, बट जब मैंने इसको यूज किया तब पता चला ये तो परमानेंट है। और गाइज वो इवेंट कौन सा है तो आप देख सकते हो, वो है ये वाला इवेंट रॉयल पास वाला। तो यार ये वीक तक पूरा 1 वीक चलेगा, तो आप लोग भी इसको जरूर पूरा कर लीजिएगा, और आप लोग को भी निकल सकती है ये चीज़ें अगर आप भी इसको फॉलो करोगे जो मैंने किया है। तो यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा रह रहा है यार, एक और दो क्रेट ओपनिंग्स बाकी है क्योंकि अभी एक और चीज़ निकलनी बाकी है। तो यार देखो वीडियो को आगे, एक और ट्रिक है आप लोग के लिए। तो आप देख सकते हो इस वक्त क्लासिक में एक इवेंट चल रहा है, वो है इंक्रीज्ड चांस। तो यार इसका मतलब है अगर आप इस टाइमिंग पे क्रेट ओपनिंग करते हो तो आप लोग का चांसेस है जो कि ये सब निकल सकता है। तो आप लोग ऐसे टाइमिंग्स पे मतलब ओपन कीजिए जब इस तरह के इवेंट्स चल रहे हों, और प्रीमियम में तो आपको पता ही है वो 10 का हमेशा चलता ही रहता है। तो गाइज उसी टाइमिंग्स पे ओपन कीजिए, इससे क्या होता है कि आप लोग के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप लोग को ओपी और लेजेंडरी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप में से भी किसी का, प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आप में से किसी का निकले उस टाइमिंग पे ओपन करने पे, और अगर जिसका AKM निकला हो तो ज़रूर लिखें यार, क्योंकि मुझे भी AKM चाहिए, मुझे AKM से बहुत ज़्यादा प्यार है सीरियसली। तो यार देखते हैं अभी हमारे पास 2 क्रेट्स बची हुई है, हमें क्या मिलता है। तो देखो यार एक और हमें OP चीज़ मिल चुकी है, और ये सीरियसली एपिक है, चलो है मान लेते हैं अगर है तो है। और गाइज एक और क्रेट ओपनिंग रह गई है, अब देखते हैं हमें जाते जाते ये क्या देने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कुछ खास देगा क्योंकि ये लास्ट है, तो आई होप देखते हैं कुछ अच्छा निकले। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके बेल आइकन को ऑल करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान मिलता रहता है यार, और फ्री का ज्ञान किसको नहीं चाहिए। तो प्लीज़ यार जल्दी से कर लो सब्सक्राइब।